हेलो भाई लोग, कैसे हो? सो आप में से बहुत लोगों ने शायद ये चेहरा ऑलरेडी भूल भी चुके होंगे, बट कोई बात नहीं। बट आज का दिन मेरे और मेरे फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका क्या रीजन है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? शायद इसीलिए मैं आज ब्लॉग भी बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्पेशल डे ना हो तो मैं ब्लॉग ज्यादातर बनाता नहीं हूँ कभी भी। तो आज का डेट है 1 जुलाई। तो सुबह अभी बज रहे 10:30 के करीब, बट 11:30 में मैं और मेरी मम्मी निकलेंगे उस जगह के लिए जहाँ हम लोग, जिसके लिए ऑलमोस्ट 6 साल हम लोगों को इंतजार करना पड़ा। पहले तो कॉलेज जाएंगे, मैं और मेरी मम्मी निकलेंगे, उसके बाद सबसे पहले तो कॉलेज जाएंगे, क्योंकि कॉलेज पास में ही पड़ता है मेरे। तो कॉलेज से मुझे कुछ डिग्री सर्टिफिकेट लेना है, लाइक एमसीए का डिग्री सर्टिफिकेट और कुछ दो शायद रिजल्ट बाकी है, तो वो लेके खत्म करते कॉलेज का कहानी। सबसे पहले तो उधर जाएंगे, उसके बाद हम मैं और मेरी मम्मी जाएंगे उस जगह में जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट काम है हम लोगों का, बाद में बताऊंगा वो चीज़। तो उसके इसके लिए ना इसके लिए मुझे मेरी फैमिली को 6 साल, एक्चुअली 6 से कम बोल रहा हूँ, शायद उसके भी ज़्यादा होगा, याद नहीं है एक्चुअली। तो 6 साल इंतजार करना पड़ा इस दिन के लिए मेरे को। तो अभी मेरे बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं अभी रहता हूँ, आज के दिन में मैं रहता हूँ दिल्ली NCR में, ठीक है, नोएडा में रहता हूँ मैं, क्योंकि मैं उधर एक न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर करके एक कंपनी है जिधर मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर काम करता हूँ। तो उसके लिए 3-4 महीने पहले ही मेरे को शिफ्ट करना पड़ा था दिल्ली। तो इसके लिए मेरा यूट्यूब भी, मतलब मैं वीडियोस वगैरह कुछ भी नहीं डाल पाता था, क्योंकि एक नया जगह में शिफ्ट करना इज लाइक काइंड ऑफ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर मी। ओके, सो मैं परसों ही आया दिल्ली से कोलकाता। परसों रात को 12:30 के करीब लैंड हुआ मेरा फ्लाइट कोलकाता में, ठीक है। तो परसों आया, बेसिकली ये काम के लिए मैं आया था, काम से छुट्टी लेके मैं यही काम के लिए इधर आया। तो देखते बाद में बताऊंगा क्या हो रहा है, अभी तो 11:30 में निकलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा। तो उस दिन मेरी और मेरी मम्मी को निकलते निकलते ऑलमोस्ट 1 बज गया था। तो उसके बाद मैं और मेरी मम्मी कॉलेज गए थे। कॉलेज जाने के बाद देखा कॉलेज में जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा था, तो मैं तो सर्टिफिकेट और रिजल्ट वगैरह ले नहीं पाया था। उसके बाद हम लोग उस लोकेशन पे चल गए जिधर हम लोगों को बुलाया गया था, उन लोगों की ऑफिस में। तो वो लोग हम लोगों को, मैं और मेरी मम्मी को, दो चाय दे के एक AC वाले रूम पर बिठा दिया, क्योंकि हम लोगों से पहले और एक बंदे का साइंस वगैरह हो रहा था। और अब ये हो गई अपनी फ्लैट, ठीक है। हम लोगों ने क्या करा कि दो फ्लैट थे हम लोगों का, 2 BHK 2 BHK करके, ठीक है। दो फ्लैट, ये ऑलमोस्ट कारपेट एरिया एक का था 800 और दूसरे का कारपेट एरिया था ऑलमोस्ट 600, ठीक है। तो इतना स्क्वायर फीट का दो फ्लैट थे। तो दोनों फ्लैट को हम लोगों को मिडिल से एक दरवाज़ा लगा के मार्च कर लिया, ठीक है। बेसिकली ये ना अपना लैंड था, बहुत पहले खुद का लैंड था। तो हम लोगों का जो लैंड के ऊपर फ्लैट हुआ, तो हम लोगों को ये दो फ्लैट मिले और नीचे और एक गैराज मिले, ठीक है। तो गैराज भी ऑलमोस्ट 135 स्क्वायर फीट का था, और ये ना ऑलमोस्ट 2016 या 15 में हुआ था ये सब डील। उसके बाद से कोरोना आया, बहुत कुछ आया, तो इसके लिए लेट होते 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 आप जाके फाइनली मिला। जो मेरा पुराना वाला जो घर था वो भी बेस्ट है, ठीक है, कि मैं छोटे से एकदम छोटे जब छोटा था तब से मैं उस घर में बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई हुआ मेरा, सब कुछ हुआ, खेल कूद सब कुछ उस घर में। उधर की दोस्त लोग है मेरा, तो उस घर वो वाली घर भी एकदम सही था। बट बात ये कि वो वाली घर ना, जो हम लोग की बस स्टैंड है, मार्केट है, बहुत दूर है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर हम लोगों को, मैं जब स्कूल जाता था या कॉलेज जाता था, ठीक है, तो मैं 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बस में चढ़ता था। 2 किलोमीटर मेरे को पैदल चलना पड़ता था। इसी की यही जो वजह है मैंने फ्लैट में शिफ्ट कर लिया। और ये वाला जो फ्लैट है एकदम नज़दीक है, फ्लैट के बाहर ही मार्केट पड़ता है, और मान लो 300 मीटर दूरी बस स्टैंड, तो परेशानी नहीं होती थी। तो यही वजह है कि हम लोग ये फ्लैट में, अपना खुद का घर छोड़ के फ्लैट में शिफ्ट हुआ। इसमें 4 बेडरूम, 2 डाइनिंग, 4 वॉशरूम, 2 बालकनी, ठीक है, ये सब है। और नीचे गैराज भी है अपना, गाड़ी कभी खड़ी देख के भगवान करे तो गाड़ी भी रख सकते, ठीक है। तो देखते रहो मेरा ये ब्लॉग। हेलो भाई लोग, तो आज है संडे, सुबह से काम कर रहा हूँ। जैसे कि ये देखो कुछ
पूजा की सामग्री वगैरह लेके आ गया। कल मंडे को सुबह पूजा होने वाला है, ठीक है। और कुछ चीज़ें जैसे भी ये कंप्यूटर मेरा सीपीयू और जो मॉनिटर था वो भी लेके आ गया सुबह सुबह में, और साइकिल भी लेके आ गया ऊपर। तो एकदम से थक गया, अभी भी बहुत काम है। अभी तो जैसे बेड वगैरह कुछ बेड अलमीरा कुछ भी शिफ्ट हुआ नहीं है अभी तक, ये होने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। पहले पूजा पूजा का पार्ट कंप्लीट कर लेते, उसके बाद देखते कैसे ले आ सकते उस सबको। तो देखते रहो ये ब्लॉग, टाटा बाय बाय। ऑलराइट गाइस, सो अपना नया फ्लैट कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी और मेरी मम्मी का बहुत पुराना एक सपना था जो आज फाइनली पूरा हुआ। बट सपना कुछ और था पहले, जो अपना लैंड था उधर ही अपने खुद का हाउस बनाने का मेरी मम्मी का सपना था, बट कुछ पॉलिटिक्स के कारण ये हो नहीं पाया। सच बोल रहा हूँ, कुछ पॉलिटिक्स के कारण ये मेरी मम्मी अपना हाउस खड़ा नहीं कर पाया वो वाली लैंड पे, हम लोगों को प्रोमोटर को देना पड़ा, ठीक है। तो उसके बाद जो भी हुआ अच्छा हुआ, ये सोच के फ्लैट ही ले लिए कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली है भाई। तो अपना खुद का फ्लैट आज मिल गया 5-6 साल बाद। सो अच्छा लग रहा है, बस कमेंट से बताना फ्लैट कैसा लगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो आज सेकंड डे हम लोगों का दिवाली घर में, जैसे कि कल पूजा वगैरह हुआ था, सो आज सेकंड डे है। कल ना बहुत रात तक सोया था क्योंकि कल बहुत मेरे कुछ रिलेटिव्स आए थे और बाकी सारे दोस्त लोग भी आए थे, जैसे कि मेरे जो पुराने वाले जो घर है उधर की जो दोस्त लोग है वो लोग आए थे इधर, और वो लोग जाते जाते करीब करीब 11:30 बज गए थे। उसके बाद मैं थोड़ा सा पुराना घर भी गया था कुछ चीज़ लेने के लिए रात को। उसके बाद घर आए सोते सोते ऑलमोस्ट 1:30 हो गया था। तो उसके बाद ना सुबह उठ के एकदम से ब्लॉग वगैरह कुछ भी वीडियो बना नहीं पाया था मैं। कल भी जो पूजा वगैरह हुआ था उसका भी उतना ज़्यादा मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोग आए हुए थे, उन लोगों को भी टाइम देना था मुझे। तो बात ये है कि मैंने ना कुछ एक प्यूरीफायर ऑर्डर किया था, आप अगर देख सकते हो ये लिफ प्योर का प्यूरीफायर है जो मैंने एक प्यूरीफायर ऑर्डर किया था, और उसके साथ एक प्री फिल्टर ऑर्डर किया था, ठीक है। कल तो इसका जो कल है इंस्टॉल हो गया था कल ही। मैं भी ना बहुत काम है, जैसे कि इधर एक ग्रिल लगाना है, और उसके बाद जो विंडोज वगैरह है उसके ऊपर पर्दे लगाने के लिए एक स्टील की कुछ ये लगाना है जैसे कि पर्दा लग जाए इधर। तो अभी भी बहुत काम है फ्लैट्स में, ठीक है। तो देखते कितनी देर तक मैं कर पाता हूँ ये सब, क्योंकि मेरे को 2 हफ्ते बाद लाइक जो आने वाला एक संडे है और उसके बाद और एक संडे है, वो वाले संडे को मेरे को दिल्ली निकलना है। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे काम एक साथ ख़त्म करके मम्मी लोगों को टेंशन ना लेके चले जाओ, ठीक है। तो अभी चलते हैं ना पुराना वाला घर में, चलते तुम लोगों को दिखाता हूँ पुराना वाला घर, याद आएगा मेरे को पुराना वाला घर क्योंकि मेरा बचपन उधर से ही गुजरा हुआ है, और अचानक इतने 24 साल का होके मैं चेंज कर लिया तो थोड़ा सा काइंड ऑफ डिफिकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि याद आ रहा है पुराने वाले घर का सेकेंड डे में। अभी पता नहीं कितना याद आने वाला है इसका। तो हेलो, ये है अपना पुराना घर जो बहुत लोगों को पता होगा जिसने मेरा पहले भी ब्लॉग देखा है। तो मैं एकदम पसीना पसीना हो गया क्योंकि
फैंस वगैरह हमने सब खोल के उसी वाले घर में रख दिए है, जो किसी भी रूम में फैन नहीं है। और लाइट्स वगैरह भी मतलब खोल दिए, बस एक ही ट्यूब लाइट है जो रखा हुआ है, ताकि जब सामान वगैरह निकालने का टाइम हो तब लाइट का प्रॉब्लम ना हो जाए। अभी भी बेड चेयर वगैरह कुछ भी नहीं लेके गया, टीवी हो गई, ये सब हो गई, इन्वर्टर तो इधर ही पड़ा हुआ है, कुछ भी अभी तक लेके नहीं गया, क्योंकि मैं सोच रहा था पहले उधर का थोड़ा थोड़ा काम ख़त्म हो जाए, ताकि जब मैं सोच रहा था कि कल परसों इस सब को शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये जब ये शिफ्ट होगा और उससे पहले मतलब उसके बाद अगर घर गंदा हो गया ना तो प्रॉब्लम होगी ना, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पहले घर गंदा हो जाए, उसको घर साफ कर लूँ, उसके बाद मैं ये सबको शिफ्ट कर लूँ तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये सोच के चला था, मैं एकदम पसीना पसीना हो रहा है क्योंकि फैन वगैरह कुछ नहीं है और घर बहुत गर्म है, सच बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि कोलकाता में गर्मी ऑलमोस्ट, मैं दिल्ली में भी गर्मी देखा हूँ, मतलब ज़्यादा मैक्सिमम गर्मी नहीं देखा दिल्ली में, बट जितना देखा था कोलकाता में थोड़ा सा उतना ही है, ठीक है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है अभी तो घर में, और मैं ब्लॉग करने के लिए आया था क्योंकि मुझे याद आ रहा था ये वाले घर का, क्या बताऊँ मैं एकदम सच में इमोशनल हो रहा हूँ, बट ठीक है, देखो कुछ नहीं है। सीधा एक शिव ठाकुर का एक पोस्टर भी हुआ करता था जो पापा ने लेके गया घर से, मेरा कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं है, चेयर पड़ा हुआ इधर, बाद में लेके जाएंगे, और यही सब है। कब इस सब को शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा और कुछ नहीं। तो अभी तो मैं ये जो वाली साइकिल से आया था मैं उसको ऊपर कर दिया, ताकि बाहर मैं अंदर वीडियो बना रहा था, ब्लॉग बना रहा था, बाहर अगर साइकिल रखूँगा कोई लेके चला गया तो, इसकी वजह से मैं साइकिल को भी अंदर कर दिया, क्योंकि सेफ रहना चाहिए साइकिल भी, क्योंकि नया साइकिल है। और पता है ये एक्वेरियम में शिफ्ट करने गया था जब, ये एक्वेरियम पता है टूट गया नीचे से, ये मैं शिफ्ट करने जा रहा था उसी दिन, बट ये टूट गया, तो मैं सोच रहा हूँ इसको लेके नहीं जाऊँगा, ठीक है, तो एक्वेरियम को किसी और को दे देंगे, जो मतलब कोई दोस्त लोगों को दे देंगे ये एक्वेरियम, क्योंकि ये एक्वेरियम भी मैं लेके नहीं जा सकता, टूट गया है, मतलब मन नहीं लग रहा कि टूटा हुआ चीज़ एक नया घर के अंदर लेके जाने का, बस और कुछ नहीं। और ये मेरा पुराना वाला एक साइकिल है, पता नहीं देख पा रहे हो कि नहीं अंधेरे में, एक पुराना वाला साइकिल है, इसको लेके जाएंगे, ये मेरा बहुत छोटे छोटे टाइम का पुराना वाला से एक साइकिल है। और ये वाले घर में तो लाइट ही नहीं है, और मैं मिस करूँगा इस सब चीज़ को, बताए जितने भी आप पेड़ देख रहे हो ना, आई विल मिस दिस ट्रीज, ये आम का पेड़, उधर एक और एक आम का पेड़ है, और इस सब में को मैं मिस करूँगा, बस और कुछ नहीं। और लेट गाइस, सो निकलते इस घर को फाइनल बाय बाय बोल के, तो चलो इस घर को फाइनल बाय बाय बोल के निकलते हैं। ऑल राइट गाइस, सो पूजा के बाद तो दो तीन दिन ऐसे ही बीत गया, और उसके बाद मम्मी ने घर में कीर्तन वगैरह कराया, तो उसी का थोड़ा सा क्लिप मैंने रिकॉर्ड कराया था। तो कीर्तन वगैरह के बाद तो वेस्ट बंगाल में वोट था, तो वोट के इस टाइम तो कुछ कर नहीं पाया था, तो मैंने और मेरी फैमिली भी वोट देने गए थे, पुरानी वाली जो हम लोगों की गाँव है तो उधर वोट देने गए थे। तो उसके बाद मंडे आया, नेक्स्ट वीक मंडे, देखते देखते 7 दिन बीत गया था। तो मंडे को हम लोगों ने जो पुराना वाला घर में से एक दो वैन वाले को हम लोगों ने बुलाया था, तो पुराने वाले घर से जितने भी सामान थे, जैसे कि बेड, अलमीरा, दो अलमीरा, शोकेस, टीवी वगैरह जितने भी थे, सब कुछ हम उठा के ये नए वाले घर में शिफ्ट कर दिए, और थोड़ा थोड़ा करके अभी मतलब सेट कर रहा हूँ नए वाले घर में, अलमीरा बेड भी सेट हो गया, तो ऐसे करते करते मतलब सेट कर रहा हूँ। और ऐसे भी दो बेड खरीद लिए हम लोगों ने, था नहीं उतना घर में, पुराने वाले घर में वो सब टूट गया था जो भी बेड था, और ये जो एक साइकिल थी मेरा और बहुत पुराना वाला एक साइकिल थे वो भी एक वैन वाले को दे दिया, एक अंकल आया था जो हम लोगों की शिफ्ट करने में मदद करी थी एक, तो उनको दे दिया, एक साइकिल दे दिया बहुत पुराना वाला, और एक बेड था वो भी दे दिया, और एक दूसरे वाले अंकल को,
तो ऐसे करते करते हो गया सारे शिफ्ट। अभी हम लोग सेट करेंगे नए वाले घर में सब कुछ, उसके बाद देखते क्या होते। और तो ये वाली पुराने वाले घर को अलविदा बोलते, फाइनल अलविदा बोलते, एकदम से अलविदा बोल के निकलते। याद आएगी शायद इसकी, पता नहीं। या तो नए वाले घर के लिए कमेंट्स पे लिखना कैसा लग रहा है, ठीक है, ये वाला ब्लॉग। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, टाटा। ऑल राइट गाइस, सो हमने तो पुराना वाला घर से सब कुछ लेके आ गया। अब ना ये जो कारपेंटर आया, ये लोग हम लोगों की जो डोर वगैरह है वो सब फिक्स हो रहे हैं। उसके बाद घर में हर एक तरह की काम हो रहे हैं, जैसे कि पर्दे लगाने के लिए जो डंडे होते हैं वो भी लगा रहे हैं। और एक इलेक्ट्रिशियन आया, वो ना अपना जो जो भी मतलब जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर फिक्स कर रहे हैं। और ऊपर से फ्रिज लगाने के लिए, मेरे कंप्यूटर लगाने के लिए एक 16 एम्पियर का या 20 एम्पियर का जो बोर्ड होते हैं, डोर प्लग होते हैं, वो भी फिक्स कर रहे हैं। बहुत कुछ काम हो रहा है, इलेक्ट्रिशियन भी कर रहे हैं, अपना कारपेंटर भी कर रहे हैं। दोनों ना हम लोगों की जो दोनों इलेक्ट्रिशियन और कारपेंटर, ये दोनों हम लोगों की जो पुराने वाले घर है उधर की रहने वाले हैं। तो पैसा थोड़ा कम कम ही ले रहा है, बात तो ये है, ठीक है। तो हर एक काम वही इलेक्ट्रिशियन और कारपेंटर ही देख रहे हैं। ऑलराइट गाइस, सो आज संडे, संडे ऑलमोस्ट 4 बज गए, 4 बजने वाले, 10 मिनट बाकी है। तो आज मेरा फ्लाइट है रात को 9 बजे के करीब, 8:55 में मेरा फ्लाइट है। आज आज दिल्ली पहुंच जाएंगे। और उससे पहले घर पे थोड़ा बहुत काम हुआ, मैं दिखाता हूँ क्या काम। जैसे कि ये दरवाज़ा वगैरह हम लोगों ने सनमाइकर कर दिए, ठीक है, मैं बाहर से दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। और ये सब बहुत कुछ लगा सेकंड में, दरवाज़ा इधर से लॉक करूँ तो बूम, ये देखो कैसा लग रहा है, कमेंट्स में बताना। गणेश जी दिया है मेरी मम्मी ने, ठीक है, गणेश जी दिया है मेरी मम्मी ने। और कॉलिंग बेल भी हमने फिट कर दिया एकदम से। और पीछे ये सस्ती साइन, इन लोगों को पता है ये साइन, ठीक है। और हमने दरवाजे में ये भी लगा दिया ताकि बाहर अगर कोई आए तो देख लेंगे। और ये कॉलिंग बेल हो गई, ये हो गई अपना इन्वर्टर, जो मेरी फर्स्ट यूट्यूब इनकम से मैंने ये खरीदा था, इसको भी, ये भी फिक्स हो गया, सेटअप कर दिया हमने इन्वर्टर। दरवाज़ा पहले तो लॉक कर देते, और सारे दरवाजे भी इधर, ये मेन दरवाजे में एक मेन जो दो डोर है उधर, एक तरफ गणेश जी और एक दूसरी तरफ सस्ती साइन है। और हर एक दरवाजा में, जैसे कि इस दरवाजे में सामने वाले में सस्ती साइन है, और पीछे जो है ना, पीछे है ऐसा कुछ, ये देखो। और पीछे हमने एक मैग्नेट लगा दिया ताकि दरवाजा ना एकदम ऐसे चिपक के रहे, ठीक है, खोले ना, मैग्नेट हो गए। और हमने कुछ चीज़ें खरीदे, जैसे कि ये खरीद लिए, ये हो गई अपनी बेड, ये मम्मी के, ये नया बेड खरीदा, ऑलमोस्ट सेगुन उठ का है, ऑलमोस्ट 35,000 लगा, 37,000 सॉरी 37,000 लगा है। और ये एक मिरर है जो बाथरूम में अभी तक लगाया नहीं है, बट ये लगा देंगे, ठीक है। दूसरी हो गई टाटा स्काई, मेरी मम्मी मम्मी के लिए लगा दिया, क्योंकि एयरटेल वाला जो सेटअप बॉक्स है वो कहाँ गया पता भी नहीं। और ये मैं हूँ, ये पुराने वाला टीवी वही फिक्स करते हैं टाटा स्काई के साथ न्यू कनेक्शन लेके। और ये मम्मी का, और ये हो गई अपनी रूम, जो मेरा बैग भी पैक हो गया दिल्ली जाने के लिए। और मैं थोड़ा सा सोने की कोशिश कर रहा था बट नींद नहीं आ रहा था क्योंकि जाने का टाइम हो रहा है। और ये हो गई अपनी कंप्यूटर, कंप्यूटर चेयर। और ऊपर मैंने लगा दिया अपना सिल्वर प्ले बटन, ऑलमोस्ट ये ना पहले अलमीरे के अंदर ही था, मैंने फर्स्ट टाइम निकाला और दीवार में टांग दिया। 2 साल बाद ये मैंने निकाला वो। और इधर एक थोड़ा सा हुक वगैरह कर दिया, ये देखो रैकेट, ये ऑलमोस्ट 10 साल 15 साल पुराना है, मैं जब छोटा था तब से है ये। और सबसे मेन चीज़ जो आज मैंने खरीदा, ये सब देखो, ये मनी प्लांट हो गई, वो तो तुलसी है, बहुत पहले फर्स्ट टाइम जब घर में आता वो उसी को लेके आए थे। ये मनी प्लांट, इसका नाम पता नहीं है, ये बेल, ठीक है, ये इसको टॉगोर बोलते हैं, डबल टॉगोर बंगाली में बोलते, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते। और ये यही हो गई टॉगोर बोलते इसको। और ये इसका भी पता नहीं कौन सा फ्लावर है, ये
पापा ने खरीदा, आज मैं और पापा जाके खरीदा है ये 6 फ्लावर्स, ये ऑलमोस्ट 600 रुपये का है। ये सब दे के अलग से खरीदना पड़ा ये सब टॉप। तो यही सब हमने अभी तक कर पाया मम्मी लोगों के लिए। आज दिल्ली जाने वाला हूँ तो अभी भी बहुत काम है। जैसे ये अगर आप देख रहे हो ये बहुत पुराना है, ये भी फिक्स करेंगे, बट मैं जा रहा हूँ, मम्मी फिक्स करेंगे ये। और इधर ये जो जगह है ये तो पता ही है आप लोगों को, ये मंदिर टाइप का, लाइक भगवान रहे, भगवान के लिए सब कुछ है ये। तो बस ब्लॉग मेरे ख्याल से इधर ही ख़त्म करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा कुछ है नहीं, नया घर में शिफ्ट होना हो गया, मैं एकदम से आज दिल्ली भी जा रहा हूँ, जितना काम मैं कर पाया उतना ही सही है, ठीक है। तो मिलते कभी दूसरी कुछ, अगर बड़ा करूँगा तो ब्लॉग बनाऊँगा उसी वो वाले ब्लॉग में। आज के लिए ब्लॉग इतना ही, ये वाला ब्लॉग, तो तब तक के लिए मिलते, टाटा बाय बाय, सी यू गाइस, लव यू गाइस, टाटा बाय बाय।